सभी को जय श्री राम। आज हम लेकर आए हैं सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा जी के यहाँ पर आए हैं, और चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब ने अयोध्या धाम मंदिर उद्घाटन को लेकर सूक्ष्म कला के माध्यम से कुछ भगवान राम के प्रति कुछ संदेश समर्पित करना चाहते हैं। क्या कुछ बनाया है, अभी तो ट्रे में पानी भर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो चलिए चलते हैं चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब के पास, और क्या कुछ उन्होंने बनाया है और क्या कहना चाहते हैं अपनी सूक्ष्म कला के माध्यम से। एक तरफ आप देखें श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी है, और आप जानते हैं कि ये पूरा एक प्रसंग इन्होंने बनाया है। और देखिए रावण की लंका है ये पूरी, और क्या कुछ बनाया है, और ये राम सेतु जैसा कुछ दिख रहा है। चलिए चंद्रप्रकाश जी के पास चलते हैं। क्या कुछ बनाया है चंद्रप्रकाश जी? जी स्वागत है। सबसे पहले तो आपको चैनल को और गोविंद जी साहब को बहुत बहुत साधुवाद। चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र पढ़ा रहे हैं आप, आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। और अभी जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, हिंदुस्तान में, भारत के अंदर, पूरे राममय उत्सव मनाया जा रहा है, राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति की, तो उसके तहत मंदिर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 22 जनवरी को उनका प्रतिष्ठा है हो रही है। इस उपलक्ष्य में हमने भी कुछ झांकी सजाई है, इसमें राम नाम के इसमें सेतु तैयार किया है। तो राम जी इनके पूरी सेना के साथ रावण के महल में जाते हैं उनका युद्ध करने के लिए, सीता जी का हरण हुआ था इस समय, ऐसे हमने एक प्रतिकृति बनाई है, सेतु तैयार किया है, राम नाम भी लिखा है इसमें ऊपर 51 बार, इसमें पत्थर तिरते हुए बताए गए हैं, उसका प्रतिकृति बताई गई है। तो इस माध्यम से हम सबको शुभ संदेश देना चाह रहे हैं, पूरे राम जी का मंदिर भव्य बन रहा है, और इसमें काफ़ी भारतवासी, उदयपुरवासी, सभी देश विदेशों से मूर्ति बन के आ रही है, कोई क्या अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने भी एक छोटी सी झांकी तैयार की है, इस तरह से हमने शुभकामना बधाई देना चाह रहा हूँ। और एक छोटी पुस्तक बनी है एक राम जी के ऊपर, आप देख सकते हैं राम नाम लिखा मैंने। ये छोटी सी पुस्तिका भी तैयार की गई है श्री राम जी के ऊपर, इसमें राम राम लिखा है कि दो बार राम बोलने से क्या है कि एक बार राम बोलने से तो 54 बार इनकी माला के जतन होता है, और दो बार राम बोलने से 108 बार उनका होता है। तो इसमें भी छोटे छोटे सूक्ष्म पेन से इसे लिखा है, राम राम लिखा है, आप देख सकते हैं इसमें अंदर। तो आप देख सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की सबसे छोटी पुस्तक नाखून से भी बहुत छोटी है, और इसको बताने जा रहे हैं श्री राम जी के। तो राम नाम से सूक्ष्म कला से सबसे छोटी पुस्तक आप देख पा रहे हैं चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब ने ये पूरी झांकी बनाई है। तो ये वो प्रसंग है जब रामचंद्र जी लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तब राम नाम के नाम से एक सेतु बनाया जा रहा है। सभी का योगदान इसमें था, और उस गिलेरी का भी योगदान था जिसके रामचंद्र जी ने हाथ घुमाए थे, और अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। और आप जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया से लोग कुछ न कुछ राम जी के यहाँ समर्पित कर रहे हैं, कुछ कोई अगरबत्ती भेज रहा है, कोई कलश भेज रहे हैं, कोई आर्थिक सहायता भेज रहा है, कोई पत्थर भेज रहा है, कोई प्रसाद भेज रहा है, कोई वॉलंटियर्स भेज रहे हैं, तो भव्य तैयारी चल रही है। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश में ये देना चाहता हूँ सूक्ष्म पुस्तिका के माध्यम से अभी तक ये सबसे छोटी पुस्तक होने का मैं दावा प्रस्तुत करता हूँ, और ये पुस्तक श्री राम जी के श्री चरणों में भेंट करना चाहता हूँ, वहाँ तक पहुँचे मतलब मेरी पुस्तक आपके चैनल के माध्यम से और आपके
सभी के द्वारा पहुँचे वहाँ तक समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे यही उद्देश्य है, इसमें 108 बार राम राम दर्शाया गया है, तो राम जी का नाम लेने से सारे काम हो जाते हैं, उनकी कृपा रहती है पूरे भक्तों के ऊपर, सभी काम सिद्ध हो रहे हैं आजकल, रोम रोम में बस रहे हैं राम जी। मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सूक्ष्म पुस्तिका यह रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है, सूक्ष्म पुस्तिका अभी तक इतनी छोटी किसी ने बनाई नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये सभी देशवासियों तक पहुँचे, भारत देश में हिंदुस्तान में पहुँचे किताब भक्ति के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब का, बहुत ही अच्छी झांकी आपने छोटी एक डायरी बनाई है, और आप देख सकते चट्टी आंगली पे आ सकती है। तो छोटी सी उंगली पर भी आप देखें राम नाम की ये पुस्तक है, और सभी देशवासियों को 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी दौरान इसी शुभ अवसर पर ये चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा ने सूक्ष्म की पुस्तक और ये पूरी लंका का दृश्य यहाँ पर दिखाया है। तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बता रहे चैनल के माध्यम से यहाँ तक चित्तौड़ हस्तशिल्प कला केंद्र विश्वविद्यालय मार्ग पर आपने जो इस कला का प्रदर्शन किया, मैं आपको शुभकामना बधाई के साथ प्रेषित करना चाह रहा हूँ गोविंद जी साहब को और पूरे भक्तजनों को शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। ये कला आगे तक पहुँचे,